सकेंगे बड़ी खबर की ओर। रांची से एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, निलंबित होंगे गिरफ्तार आईएएस शबीर रंजन। जी हां, ईडी ने आईएएस शबीर रंजन को गिरफ्तार किया है। सेना जमीन घोटाला मामला है ये, इसमें आईएएस शबीर रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया है लगभग 10 से 11 घंटे की दोबारा पूछताछ के बाद। तो बताते चले आपको कि शबीर रंजन से पूछताछ थोड़ी ही देर में पीएमएलए कोर्ट में पेश किए जाएंगे और कल 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई थी। तो कल 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आईएएस छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि निलंबित होंगे गिरफ्तार आईएएस छवि रंजन। ईडी दफ्तर में छवि रंजन से पूछताछ जारी है, थोड़ी देर में पीएमएलए कोर्ट में पेश किए जाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। रांची से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सेना जमीन घोटाला मामला है जिसमें आईएएस छवि रंजन मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं और ये दूसरी बार जब आईएएस छवि रंजन से कल पूछताछ हुई, इसके बाद आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी हो गई है। तो बता दें आपको कि पूछताछ के बाद ही गिरफ्तारी हुई है आईएएस छवि रंजन की और देख सकते हैं रांची से लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड। सेना जमीन घोटाला ये मामला है। सूरज हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? आईएएस छवि रंजन निलंबित होंगे, थोड़ी अभी पूछताछ जारी है, क्या स्थिति है वहां पर बताएं। अब देखिए छवि रंजन की ये गाड़ी, यही सीधी तस्वीर देखिए, ये सीधी तस्वीर देखिए छवि रंजन, ये देखिए सीधे देखिए, ये देखिए इस गाड़ी में छवि रंजन जा रहे हैं। छवि जी, ये देखिए किस तरह से छवि रंजन को लेकर ईडी के अधिकारी पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जो बीच के पास लेके गए हैं। आप देखिए दो अधिकारी के बीच छवि रंजन बैठे हुए थे और ये दोनों ईडी के अधिकारी थे और ईडी के अधिकारी अब पीएमएलए कोर्ट के जो विशेष न्यायाधीश है उन न्यायाधीश के पास पूछताछ के लिए अब इनके जो विशेष न्यायाधीश है उन न्यायाधीश के पास पूछताछ के लिए अब इनके लेके गए हैं। अब कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, जो विशेष न्यायाधीश है, वहाँ पे पीसी के बाद और कहीं ना कहीं ईडी के जो अधिकारी है वो पूछताछ के लिए रिमांड की मांग करेंगे। तो ये कह सकते हैं कल से जो लगातार पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद इसी ईडी दफ्तर से आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले, कुछ सेकेंड पहले ईडी दफ्तर से सीधे दो गाड़ियों में जो अधिकारी थे वो यहाँ पर मौजूद थे और खासकर जहाँ पर छवि रंजन बैठे हुए थे ठीक पीछे वाली गाड़ी में, दोनों साइड में ईडी के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है और अब उनसे पूछताछ के लिए और रिमांड की जो अवधि है उसे मांग करने के लिए ईडी के अधिकारी फिलहाल छवि रंजन को ईडी के जो पीएमएलए कोर्ट के जो विशेष न्यायाधीश है उनके पास पीसी के लिए लेके गए हैं, यानी अब उनको वहां पे उपस्थित करेंगे। उसके बाद विशेष न्यायाधीश से ईडी के अधिकारी पूछताछ के लिए रिमांड की मांग करेंगे घोटाला मामले में और आईएएस छवि रंजन भी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। और देखिए अभी एक और कारोबारी से भी पूछताछ होनी है 8 तारीख को, यानी कि जांच की आंच जो है अभी दूर तक जानी है। बिल्कुल लक्ष्मी, जांच की आंच दूर तक जाएगी और आपने देखा कि ये छवि रंजन ऐसे दूसरे अधिकारी है जो पूछताछ के बाद ईडी का अधिकारी ने गिरफ्तार किए हैं। इससे पहले आपने देखा कि जो आईएएस अधिकारी थी पूजा सिंघल, उसे भी ईडी ने गिरफ्तार किए थे और आज छवि रंजन की गिरफ्तारी, हालांकि छवि रंजन की गिरफ्तारी कल ही हो गई, इसी ईडी दफ्तर में छवि रंजन से 10 घंटे पूछताछ के बाद ईडी के अधिकारी ने छवि रंजन को गिरफ्तार किया था और कल से इसी ईडी दफ्तर में छवि रंजन यहां पर मौजूद थे और अभी फिलहाल छवि रंजन को पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेशी के लिए ईडी के अधिकारी ले गए हैं। ठीक है सूरज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सेना जमीन घोटाला मामले में आईएएस छवि रंजन का निलंबन लगभग पक्का हो गया है।